आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो टर्मियों, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बॉलिंग पॉइंट जो होता है C2H5OH का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू C2H5SH ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब उसका रीजन क्या, एसोसिएशन है, डिसोसिएशन है, लो मॉलिक्यूलर मास या हाई मॉलिक्यूलर मास। फाइन, सो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो देखो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में आपके पास क्या पोलैरिटी अवेलेबल होती है, मतलब पोलैरिटी होगी तो उस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होंगे, इंट्रैक्शन होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा आपके इंट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं, मॉलिक्यूल में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। फाइन, मतलब इंट्रैक्शन आपके कोई से भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो सकते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन हो सकते हैं। फाइन, बट अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल में ज्यादा चांसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होता है कि हाईएस्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है उस मॉलिक्यूल का। फाइन, सो यहाँ पर आपको बस यही चेक करना, देखना था कि आपके पास जो है C2H5OH है एक आपके पास, और एक आपके पास क्या C2H5SH है। फाइन, अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन होती है और एक सल्फर के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन जो होती है, वो क्या करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसी केस में आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं। मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होगी, बट SH के केस में क्या होगी, यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, सो देखो, होता क्या है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, सो यहाँ पर मतलब बेसिकली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है। इंटर का मतलब क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। बट अगर एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा। सो देखो, C2H5OH में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दिस इज योर C2H5, ये हो गया आपके पास O, और ऑक्सीजन का ये हो गया आपके पास H। अब एक और मॉलिक्यूल आएगा, C2H5 हो गया, ये आपके पास क्या लगा होगा, ऑक्सीजन, और इसका क्या है, ये हाइड्रोजन। फाइन, सो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है। बट क्योंकि C2H5SH में होता क्या है कि ये जो आपका सल्फर है, ये आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कॉज करना नहीं पसंद करेगा, जिसकी वजह से ये एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा। इट विल नॉट प्रेफर इन एसोसिएटेड, रिमेंस इन द एसोसिएटेड फॉर्म। बट ये आपका क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अब एक एसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट का होता है ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है C2H5OH का, ज्यादा होता है C2H5SH से ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन नहीं कहोगे आप, लो मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे एसोसिएशन की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है थायोल से ज्यादा है। सो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।